हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं बेटा? हेलो हेमन, और कैसे हैं आप? जल्दी से आ जाइए। स्वागत है आपका अनअकैडमी के जस्ट 6th स्टैंडर्ड पर। से आ जाइए। गुड आफ्टरनून बच्चों। अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराता है, देखिए, टॉप एजुकेटर्स, तो आपको एग्जाम के लिए आपकी तैयारी कराने में मदद करते हैं। हेलो सुरेश, और कैसे हो आप? हाँ, आपके एग्जाम की तैयारी कराने में आपको मदद करता है। ठीक है बेटा, ये अनअकैडमी ने प्रोवाइड कराया, देखिए, आपके लिए नया चैनल लेकर आया, लेट्स क्रैक सीबीएसई। यहाँ आपको क्लास 6 के सारे सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। अनअकैडमी आपको मालूम है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। यहाँ आप पढ़ करके देखिए अपने गोल को आप अचीव कर सकते हैं। आप अगर अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं बच्चों तो यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और यहाँ लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। आप हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कराई जाती है। जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को लिंक जो है अपना शेयर कर दीजिए, हमारा लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी जो है क्लास अटेंड कर पाए। और सब बच्चे ठीक हैं? जब तक मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम बच्चों पूजा बत्रा है। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड किया है। मेरा 17 इयर्स का हिंदी में एक्सपीरियंस है। मैं यूपीएससी के बच्चों को भी एग्जामिनेशन की तैयारी कराती हूँ, और मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। आपके हिंदी के डाउट्स क्लियर करूँगी। ये बच्चों जल्दी से हमारा लिंक शेयर कर दीजिए और सब बच्चे क्लास में आ जाएं। जो बच्चे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं वो जस्ट 6 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आपको मालूम है बच्चों कि यह इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ के आपके सारे सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज, साइंस, सारे सब्जेक्ट की अच्छे से बच्चों तैयारी कराई जाती है। आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। आपको जिस सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जिस टॉपिक पर आपका कमांड नहीं है, आपको नहीं समझ में आता है, वो अच्छे से आपको समझाया जाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि देखिए जिसमें जो है आप डेली लाइव क्लासेस होती हैं। यहाँ पर आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर किए जाते हैं सारे। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। और आपकी जो इस क्लास जब चलती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। आपका जो सिलेबस है बच्चों, मेन थिंग देखिए, जो सिलेबस आपकी क्लास के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अब आपके फाइनल एग्जाम शुरू होंगे मार्च में, तो आपका पेपर का पैटर्न क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जाएगी कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में आप गेन कर सकें, ला सकें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जल्दी से आप क्लास अटेंड करिए और सारे सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करिए। और यहाँ पर बच्चों देखिए टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, आपकी क्विज होती है, जिसमें आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, किस टॉपिक में आप वीक हैं, मैथ्स में आप किस टॉपिक में आप वीक हैं, कौन सा आपको नहीं आते हैं, तो आप उसमें जो है कमांड के लिए वो अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। आप जल्दी से क्या करिए, आप लिंक शेयर करिए, आपके फ्रेंड्स भी पढ़े साथ में, और आप सब टीचर्स को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको इस प्लेटफॉर्म पर टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, जिसमें कुणाल किशोर सर, निकिता मैम, सृष्टि मैम, दीक्षा मैम, हुमेरा मैम, हिना मैम, ये आपकी अच्छे से तैयारी कराते हैं। वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं और आपको बेसिक से आपको पढ़ा करके आपके कोई भी टॉपिक में आपको जो भी प्रॉब्लम होती है वह आपकी प्रॉब्लम को दूर करते हैं जल्दी से। और आप एक काम करिए, अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से आप प्ले स्टोर पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर आप मेरा नाम लिखना बिल्कुल भूलिएगा। मेरा नाम है पूजा बत्रा। और उसे आप फॉलो कर दीजिए और वहाँ नोटिफिकेशन आप ऑन कर दीजिए, जिससे जो भी आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। अगर आप बच्चों देखिए, और यहाँ पर देखिए अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराता है प्लस कोर्सेज, फ्री क्लासेज और स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड कराता है बच्चों आपको। जय श्री कृष्णा। और बेटा आप ठीक है? देखिए, और आपको देखिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों तो आपके लिए कितना बेनिफिट्स है उसमें कि आप सारे सब्जेक्ट, आपको जो भी डाउट होगा तो आप उस टीचर्स के आप वीडियो देख सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के आप देख सकते हैं। और आपको क्या मिलेगा, लाइव टेस्ट होते हैं वहां पर और आपके डाउट सेशन होता है। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट होता है तो आपके डाउट्स उसमें क्लियर किए जाते हैं। उसके लिए आप क्या करिए, अनअकैडमी पहले लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यहाँ देखिए कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस में साइंस में आपके देखिए 6 कोर्सेज हैं, मैथमेटिक्स में देखिए 4 कोर्सेज हैं, इंग्लिश में 3 कोर्सेज, सोशल स्टडी में आपके 3 कोर्सेज हैं। आपके अच्छे से तैयारी कराई जाती है जिससे कि आप क्लास में 1st, 2nd की रैंक पर आ जाए। तो जल्दी से आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया वो इंस्टॉल कर लीजिए, फाइनल एग्जाम की आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और आप बच्चों टेलीग्राम ऐप पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर देखिए आप ये डाउनलोड कर लीजिए पहले, और ये लिंक दिया हुआ है उससे आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। आप देखिए बच्चों, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप कितनी चीप इंस्टॉलमेंट में आप सारे सब्जेक्ट्स की आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, उसमें आप क्या करेंगे, हिंदी से लेकर के इंग्लिश, मैथ्स, आपको मैथ साइंस में प्रॉब्लम होती है, हिंदी में, सोशल स्टडी में, तो आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। देखिए 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन बच्चों यहाँ पर केवल 2500 का है, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। 6 मंथ्स का देखिए केवल 10,000 का है, और पर मंथ आपकी इंस्टॉलमेंट बच्चों केवल 1,667 रुपीज की है। आप उसमें सारे सब्जेक्ट के बताइए, आप ट्यूशन कोचिंग लेते हैं तो आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट जाती है, और आप यहाँ पर 6 मंथ के इंस्टॉलमेंट केवल 10,000 है। और 12 मंथ का बच्चों अगर आप ले लेंगे देखिए 13,500 का है, और पर मंथ इंस्टॉलमेंट आपकी केवल 1,250 की है। जल्दी से बच्चों सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिससे कि आप इतनी कम इंस्टॉलमेंट में आप अच्छे से तैयारी कर पाए और आपके अच्छे मार्क्स आ पाए, आपके सारे सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी हो। 24 मंथ्स का बच्चों आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 22,500 का है। आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और पर मंथ इंस्टॉलमेंट तो देखिए ऑफ करके 58% ऑफ करके 1,042 रुपीज आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट पड़ रही है। और बच्चों अगर आप इसमें मेरा रेफरल कोड पूजा01 यूज करते हैं तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए बच्चों, लिंक शेयर कर दीजिए और भी बच्चे आ जाएं, तो हम हिंदी व्याकरण का नया लेसन स्टार्ट कर पाए। और आप सब बच्चों ठीक हैं? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण का नया लेसन। आज का हमारा हिंदी व्याकरण का नया पाठ है वाच्य। देखिए ये सब हिंदी व्याकरण के ऐसे पाठ हैं, ऐसे लेसन हैं कि इनमें से आपका हिंदी व्याकरण का जो क्वेश्चन आता है 5-5 मार्क्स की ये सब एक्सरसाइजेस आती ही हैं बच्चों। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वाच्य, पत्र लेखन आपका, ये सब अच्छे से अगर तैयार होते हैं तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर आते हैं और इसमें पूरे नंबर आप लेकर के आते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक है वाच्य, अच्छे से देखिएगा। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। आपको मालूम है मैंने जब क्रिया पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि कोई भी वाक्य ऐसा नहीं हो सकता जिसमें क्रिया ना हो। अगर वह वाक्य है तो उसमें क्रिया जरूर होगी। राम खाता है, राम खेलने जाता है, तो जाता, खाना, सोना, यह सब क्या है, हमारी क्रियाएं, और क्रिया के बिना हमारा वाक्य पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखिए क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार होती है उसे हम वाच्य कहते हैं। जैसे वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है पुरुष लिंग और वचन में क्रिया उसी का अनुसरण करता है। आप उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि वाच्य किसे कहते हैं। हम पहले उदाहरण देखते हैं। वंदिता गीत गाती है। वंदिता हमारा यहाँ पर क्या है, कर्ता है, और क्या है हमारी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। और यहाँ पर हमारा गीत क्या है, कर्म है, गाती क्या है हमारी क्रिया है। तो यहाँ पर क्रिया जो है हमारी क्या है, वंदिता के अनुसार है, अर्थात हमारी क्या है, वंदिता हमारी स्त्रीलिंग है, तो हमारी क्रिया भी क्या है, स्त्रीलिंग है, अर्थात यहाँ पर हमारी क्रिया और कर्ता दोनों एक साथ हैं। अगर वो स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग है, अगर वो पुल्लिंग होगा तो वह भी पुल्लिंग होगा। समझ में आया बच्चों। अब वंदिता द्वारा स्वेटर बुना जाता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे वंदिता तो स्त्रीलिंग है, और यहाँ पर जो जाता है हमारा ये क्या है, हमारा क्या है, हमारा पुल्लिंग है। यही हम बच्चों आपको बताएंगे, जब हम इसके अभी भेद बताते हैं तो हम आपको बताएंगे कि वंदिता हमारा स्त्रीलिंग है, लेकिन हमारा जो क्रिया है उसके साथ क्यों हमारा पुल्लिंग प्रयोग हुआ है, ठीक है। और कर्म हमारा है यहाँ पर क्या है, स्वेटर। वंदिता क्या बुनती है, वंदिता द्वारा क्या बुना जाता है, क्या हमने बताया था आपको क्या लगाते हैं, तो आपको कर्म का पता चलता है, तो आपने क्या लगाया, तो क्या लगाया, स्वेटर आया। वंदिता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। देखिए अब यहाँ पर वंदिता है स्त्रीलिंग और आपकी क्रिया भी क्या है, स्त्रीलिंग है, जाती है। अब ये हम आपको बताएंगे कि कर्ता कर्म और भाव के अनुसार ये कैसे होता है। पहले वाक्य को पहले अच्छी तरीके से हम देखते हैं। वंदिता गीत गाती है। जिन वाक्यों में अगर कर्ता स्त्रीलिंग है और अगर क्रिया भी स्त्रीलिंग है तो वहां पर हमारा क्या होता है, प्रत्वाच्य होता है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझिए, अभी हम भेद आपको बताते हैं, आगे देखते हैं। पहले हम ये देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है, भाव है। मुख्य जो है हमारा क्या है, उसमें कर्ता है कि कर्म है कि वाच्य है, यह हमें पता चलता है, तो उसे हम कहते हैं वाच्य। वाच्य के जो तीन भेद हैं उसके अनुसार आप देखेंगे वाक्य में कृतवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है। अगर वाक्य में देखिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा, अगर वाक्य में हमारा कर्ता जो है वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है और हमारी क्रिया जो है वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अगर है, हम स्त्रीलिंग है, तो हमारा क्या होगा वहां पर, कृतवाच्य। अच्छे तरीके से बच्चों समझ लीजिए। जैसे वंदिता गीत गाती है, वंदिता हमारा यहाँ पर क्या हुआ, वंदिता कर्ता, ठीक है। कर्म हमारा क्या, गीत, और क्रिया हमारी क्या है, गाती है। तो यहाँ पर हमारे जो कर्ता है हमारी स्त्रीलिंग है और हमारी क्रिया भी क्या है, वह स्त्रीलिंग है। अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। आप देखिए हमारा कृतवाच्य, वाक्य के तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन्हीं तीनों का अंतर अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पहचानेंगे बच्चों कि कृतवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है। ये आप अच्छे से देख लीजिए कि इसमें कौन से वाच्य हैं। कृतवाच्य, जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। देखिए मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था, वंदिता गीत गाती है। वंदिता हमारी यहाँ क्या थी, स्त्रीलिंग, ठीक है। क्रिया हमारी क्या थी, स्त्रीलिंग, तो वहां पर हमारा क्या हुआ, कृतवाच्य, क्योंकि हमारी अगर हमारा कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग ही। अगर हमारा रमेश घर जाता है, मान लिया आपने रमेश घर जाता है, रमेश हमारा यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, पुल्लिंग हुआ। जाता है हमारा क्या हुआ, क्रिया है हमारी, और कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया कौन सी प्रयोग हुई है, पुल्लिंग। जाता है, जाती है यहाँ प्रयोग नहीं किया, तो क्या हुआ हमारे यहाँ पर कृतवाच्य, क्योंकि आपने यहाँ पर जो क्रिया का प्रयोग किया है वह कर्ता के अनुसार प्रयोग किया है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, कृतवाच्य का प्रयोग करते हैं। कृतवाच्य वहां होता है। कृतवाच्य की क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, जैसे एक वाक्य देखिए आप बच्चों, राम ने पुस्तक पढ़ी। जैसे राम क्या हुआ यहाँ पर, कर्ता हुआ हमारा, पुस्तक क्या हुई हमारी, कर्म हुई। और आप कहेंगे यहाँ पर पढ़ी जो है हमारा स्त्रीलिंग में, जबकि राम हमारा पुल्लिंग में है। राम हमारा किसमें हुआ है, पुल्लिंग शब्द है। और हमारी जो क्रिया है हमारी पढ़ी, ये क्या है हमारा, स्त्रीलिंग शब्द है। राम ने पुस्तक पढ़ा, ये आप कहते तो कर्ता होता। नहीं, इसमें बच्चों भेद अच्छी तरीके से समझिएगा कि आपको मैंने क्या कराया था, विभक्तियां कराई थी, आपको मैंने कारक कराए थे। तो कारक के बताइए बच्चों जल्दी से कितने भेद होते हैं। कारक मैंने समझाई थी, तो कारक में मैंने क्या बताया था, कर्ता ने कर्म को, कर्ता के साथ किस चीज का प्रयोग किया था हमने, कौन सी विभक्ति का, कर्ता ने। अच्छे तरीके से समझ लीजिए, कर्ता के साथ हमने ने विभक्ति का प्रयोग किया था। बच्चों अगर किसी भी वाक्य में ने विभक्ति आती है तो वहां क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार हो जाती है। अर्थात पुस्तक हमारी यहाँ पर कर्म है, तो क्या, पुस्तक पढ़ी। हमारी क्रिया यहाँ पर किसके अनुसार हो गई, हमारी कर्म के अनुसार हो गई, कर्ता के अनुसार नहीं है। हमारी कौन सी विभक्ति यहाँ पर प्रयोग हुई थी, ने। अगर ने विभक्ति बच्चों प्रयोग हुई है तो वहां पर हमारी क्रिया जो है कर्म के अनुसार हो जाएगी। से भी हम क्या कहेंगे, कृतवाच्य। कौन सा कहेंगे, कृतवाच्य कहेंगे। अच्छे तरीके से बच्चों अंतर समझ लीजिए कि कृतवाच्य क्या होता है। कृतवाच्य में अगर आपका कर्ता पुल्लिंग है तो आपकी क्रिया भी पुल्लिंग होगी। अगर कृतवाच्य में कर्ता आपका स्त्रीलिंग है तो आपकी क्रिया भी स्त्रीलिंग ही होगी। पहला। दूसरा देखिए, अगर वाच्य में, अगर आपके वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो आपकी विभक्ति किसके साथ ये प्रयोग होती है, ने, कर्ता ने, है ना। तो आपने क्या किया, कर्ता को ना देख करके आपने कर्म के साथ, है ना, क्या वहां क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग होती है। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, तो वहां पर कौन सा होगा आपका, कृतवाच्य होगा। अच्छे तरीके से बच्चों ये समझ लीजिए कि अगर ने विभक्ति प्रयोग है तो वहां पर आपकी जो क्रिया होगी आपकी कर्म के अनुसार प्रयोग होती है, उसे भी हम कृतवाच्य ही कहते हैं। ठीक है, अगर ने विभक्ति आएगी तो उसे भी आप कृतवाच्य में रखेंगे। अच्छे तरीके से बच्चों समझ लीजिए, में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बच्चों हम देखते हैं। देखिए यही उदाहरण देखिए, उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। बच्चे आपका क्या है, पुल्लिंग है। बच्चे कितने हैं, बहुत सारे वचन, देखिए बहुवचन है। आपका पढ़ रहे हैं क्या हुआ, क्रिया है आपका रहे हैं, आपका उसके अनुसार ही प्रयोग हुआ। यहाँ पर क्या हुआ हमारा, कृतवाच्य। अब दिनेश कचौड़ी खाता है, आपका दिनेश क्या है, एक वचन है, करता है। खाता है अपना आपका क्रिया शब्द है, आपका कर्ता के अनुसार ही हमने क्रिया का प्रयोग किया। कचौड़ी क्या है यहाँ पर, कर्म है। मैंने कर्म का प्रयोग आपको बताया था, कर्म कैसे आप देखेंगे कि कर्म है। दिनेश क्या खाता है, दिनेश कचौड़ी खाता है। क्या और किसके का प्रयोग करेंगे तो आपको कर्म का पता चल जाता है। आगे देखिए, विनय जा रहा है, यहाँ पर विजय जा रहा है। विजय क्या है यहाँ पर, क्या है, कर्ता है यहाँ पर, और जा रहा है उसी के अनुसार हमने क्रिया का प्रयोग किया है ना। विजय एक वचन है, ठीक, विजय जा रहा है, कर्ता, और उसके साथ हमने रहा है का प्रयोग किया है। हेलो बेटा, और आप ठीक हो। देखिए आगे, लड़का पढ़ता है। लड़का पढ़ता है, ये देखिए लड़का यहाँ पर क्या है, करता है, और पढ़ता क्या है यहाँ पर, क्रिया है। तो आपका कर्ता का प्रयोग क्रिया का प्रयोग हमारे कर्ता के अनुसार ही प्रयोग हुआ है। तो अगर बच्चों क्रिया का हमारा प्रयोग कर्ता के अनुसार ही होता है, क्रिया हमारी एक वचन में है, कर्ता भी हमारा एक वचन में है, तो वह क्या आएगा, सब हमारा कृतवाच्य में आएगा। अगर ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो उसको हम क्रिया को हम कर्म के अनुसार ही देखते हैं। वह भी हमारा किस में आता है, कृत वाच्य में आता है। अच्छे से समझ लीजिए। वाक्य में देखिए, पढ़ रहे हैं, खाता है, रहा, जा रहा है, पढ़ता है, ये क्या है हमारे क्रिया शब्द हैं। और बच्चा, दिनेश, विजय, लड़का हमारे क्या है, मुख्य कर्ता है। यहाँ तक बच्चों अच्छे से समझ में आया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छे से समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। कर्म वाच्य, देखिए कर्म वाच्य किसे कहते हैं। कर्म से आपको पढ़ने में ही देखने में लग रहा है कर्म वाच्य, जहाँ कर्म की प्रधानता होती है ना, जहाँ कर्तावाच्य जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, कृतवाच्य ना, कृतवाच्य जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य जहाँ कर्म की प्रधानता होती है। देखिए उदाहरण, परिभाषा देखते हैं पहले। जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अभी मैंने आपको और बच्चों समाप्त, ठीक हो? और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? चलिए देखिए, जिस वाक्य की क्रिया आपके कर्म के अनुसार होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अभी मैंने एक वाक्य और बताया था, मैंने आपको बताया था कि क्या है, आपकी क्रिया किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार है। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, रामायण। उदाहरण देखिए, उदाहरण के द्वारा आप समझिए कि इसमें कर्मवाच्य क्यों है। ठीक है, उदाहरण देख करके हम देखते हैं कि इसमें क्यों है कर्मवाच्य। रामायण लड़के के द्वारा पढ़ी जाती है। यहाँ पर कमल से साइकिल चलाई जाती है। नितिन द्वारा चाय पी जाती है। यहाँ देखिए, रामायण, कमल, नितिन, आपको मालूम है क्या है, ये कर्म है। ये क्या है हमारे, ये हमारे क्या है, कर्म है। अब देखिए, रामायण लड़के के द्वारा पढ़ी जाती है, ठीक है, पढ़ी गई। कमल से साइकिल चलाई जाती है। नितिन द्वारा चाय पी जाती है। इन वाक्यों की क्रियाएं इन्हीं कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की गई हैं। लिंग हमारा क्या है, नितिन क्या है हमारा, पुल्लिंग है हमारा, लेकिन आप कहेंगे जाति है, आपका स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। ठीक है, कमल हमारा पुल्लिंग है, लेकिन हमारी जो क्रिया है हमारी किसके अनुसार प्रयोग की गई है, क्रिया हमारी जाति है, स्त्रीलिंग है। रामायण हमारा देखिए वो उसके अनुसार आपकी क्या है, पढ़ी गई, स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर हमारी क्या है, क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग की गई है। ठीक है, कर्म के अनुसार, तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्मवाच्य। जैसे कि आपकी कर्म के अनुसार ये बदल दी जाती है, जैसे रामायण, साइकिल, चाय, ये सब, और ये आपके उसमें पूछा भी जाता है। बच्चों ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि इसमें जो होती है कर्मवाच्य में जो हमारी क्रियाएं होती है वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं। मैंने अकर्मक सकर्मक क्रिया आपको बताई थी। इसमें क्रियाएं कौन सी होती, कर्मवाच्य में हमेशा हमारी क्रियाएं सकर्मक होती हैं, और कृतवाच्य में हमारी सकर्मक अकर्मक दोनों होती हैं। ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हमारी कृतवाच्य जो मैंने पहले भी समझाया उसमें क्या होती है, दोनों होती हैं, सकर्मक अकर्मक, और कर्मवाच्य में आपकी केवल कौन सी होती हैं, सकर्मक। और आप इससे पहचान सकते हैं कर्मवाच्य केवल कि अगर वाक्य में से या के द्वारा प्रयोग हुआ है, कमल से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और पहले वाक्य में देखिए रामायण लड़के के द्वारा पढ़ी जाती है, अगर द्वारा विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर हमारे कर्मवाच्य होता है। इसकी पहचान है बेटा। इसकी पहचान है बेटा कि अगर वाक्य में से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो हमारा क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। ये क्योंकि इन वाक्यों में हमारे कर्म की प्रधानता होती है। अच्छे से समझ में आया? कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन के अनुसार ही कर्म होते हैं। बस ये आप वाक्य में देखिएगा, से या के द्वारा प्रयोग हुआ है तो वहां पर वो कर्मवाच्य होगा। मैंने अभी आपको बताया कि यह केवल सकर्मक क्रियाओं में होती है और इसमें से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तथा क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार ही होते हैं। जैसा कर्म होगा वैसी हमारी क्रिया होगी। अगर हमारा कर्म और क्रिया दोनों जो है एक जैसी होती हैं, तो वहां पर हमारा कर्मवाच्य होता है अच्छे तरीके से। और कृतवाच्य में मैंने अभी आपको बताया कि आपकी अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो आपकी क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, आपका कर्ता अगर पुल्लिंग है तो आपकी क्रिया भी पुल्लिंग होगी। और उसमें सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। और कर्म वाक्यों में वाच्य में केवल आपके सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। ये दोनों में अंतर अच्छे से समझ लीजिए। उसमें ने विभक्ति का प्रयोग से आप समझ सकते हैं, अगर ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो वहां पर आपके कर्म के अनुसार क्रिया होती है, वह क्या होता है हमारा कृतवाच्य। और कर्मवाच्य में अगर आप देखते हैं से और के द्वारा विभक्ति, तो आप उसमें क्या प्रयोग करते हैं, आप किस चीज का प्रयोग करते हैं बच्चों, कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं। अब आपको दोनों में अंतर मालूम हुआ कि कृतवाच्य किसे कहते हैं और कर्मवाच्य किसे कहते हैं। और इसमें से बच्चों आपके 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर बच्चों देखिए कर्म नहीं होता तो कर्मवाच्य ही नहीं होता, अगर कर्म नहीं होगा तो आपका कर्मवाच्य भी नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छे से समझ लीजिए इसे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। कृतवाच्य और कर्मवाच्य में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए, वो भी बच्चे आ जाएं। चलिए आगे देखते हैं हम, क्या है भाववाच्य। क्या है बच्चों भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं, जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर, कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होगी बच्चों, वो क्रिया क्या होगी, उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें किस किस चीज की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है। किस चीज की, ये बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। मैं आपको यहाँ पर ये पढ़ा रही थी, सॉरी बच्चों नेटवर्क इश्यू की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई, सॉरी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भाववाच्य किसे कहते हैं, भाववाच्य में हमने आपको बताया कि किसमें क्या करते हैं हम, भाववाच्य में आपको क्या होता है इसमें कि नहीं का, नहीं शब्दों का प्रयोग होता है। अगर नहीं है वहां पर प्रयोग तो आप वहां पर क्या होगा, आपका भाववाच्य का प्रयोग होगा, ठीक है। और इसमें केवल अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कृतवाच्य में आपका सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, आपका कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। अब देखिए वाच्य परिवर्तन आपको आता है आपकी परीक्षा में, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में आप कैसे परिवर्तन करते हैं, तो अच्छे तरीके से समझिए। क्रिया को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। जैसे मैंने चाय पी, देखिए कर्ता के पश्चात से या के द्वारा या द्वारा शब्द लगाए जाते हैं। आप कृतवाच्य से अगर कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे, या तो आप से लगाएंगे उसमें विभक्ति, या तो के द्वारा लगाएंगे, अथवा आप द्वारा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में मैंने चाय पी, मैंने के अलावा आप किस चीज का प्रयोग करें, मेरे द्वारा चाय पी गई, है ना, मेरे द्वारा, आपने यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया? द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया गया। मेरे द्वारा चाय पी गई, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, आपने कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदला, आपने द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया। रीना ने पत्र पढ़ा, आप कहेंगे रीना यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है, और यहाँ पर पढ़ा क्या है, यहाँ पर आपका पुल्लिंग है। लेकिन मैंने आपको बताया अगर हमारा कर्म अर्थात पत्र हमारा और ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है, मैंने आपको बताया था कि आपके अगर कर्म के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो हमारी क्रिया जो है कर्म के अनुसार होती है। तो यहाँ पर हमारा पत्र कर्म है, ने विभक्ति लगी है, तो हमारी जो क्रिया है कर्म के अनुसार प्रयोग हुई है। अब इसका कर्मवाच्य में आपने प्रयोग किया, द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया। रीना के द्वारा पत्र पढ़ा, क्या हुआ हमारा ये कर्मवाच्य में, आप कर्ता के साथ लगा दीजिए से, के द्वारा या द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नीलम केले लाई, नीलम द्वारा केले लाए गए, नीलम द्वारा केले लाए, ये क्या हुआ हमारा, इसमें कर्मवाच्य में आपने बदला। सुजीत आम खा रहा है, सुजीत यहाँ पर क्या है हमारा, हेलो हिना, और बेटा आप कैसे हो, आप 7वीं कक्षा में हो। सुजीत आम खा रहा है। और बच्चों आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, देखिए आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, अच्छे से समझ लीजिए। सुजीत यहाँ पर हमारा क्या है, एक वचन है, पुल्लिंग शब्द है, और आपने द्वारा शब्द का प्रयोग किया, ये आपने कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदला। सुजीत द्वारा आम खाया जा रहा है, अगर आपको कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए आएगा तो आप केवल से या के द्वारा, आप अच्छे हो बेटा, कृतवाच्य से आप कर्मवाच्य में बदलने के लिए से या के द्वारा द्वारा विभक्ति का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए वाच्य में परिवर्तन एक दूसरे भी होता है, दूसरा है हमारा कृतवाच्य से भाववाच्य में। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए कि जैसे वो भी क्लास में आ जाए जिनकी क्लास छूट गई है। कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन, कर्ता के साथ क्या, से जोड़ा जाता है, ठीक है, और कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, से किसमें, करण में, ठीक है, करण कारक में से विभक्ति प्रयोग होती है। भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग हमेशा एक वचन और अन्य पुरुष में होता है, और मैंने आपको बताया था भाववाच्य में क्रियाएं निषेधात्मक होती हैं, अर्थात आप नहीं का प्रयोग करेंगे। आपका कृतवाच्य है जैसे सुकन्या नहीं नाचती, तो आपने नहीं का ही प्रयोग किया है और एक वचन का प्रयोग किया है, सुकन्या से नहीं नाचा जाता, ठीक है। बालक नहीं सोया, आपको भाववाच्य में चेंज करना है, बदलना है आपको, बालक से सोया नहीं जाता, नहीं। लड़के छत से कूदते हैं, देखिए यहाँ पर आपका लड़के भी पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग है, और आपके बहुवचन में है, और कूदते हैं क्रिया उसी के अनुसार आपके प्रयोग हुई है। आपका देखिए लड़कों द्वारा छत से कूदा नहीं जाता है, ठीक है, लड़के द्वारा छत से कूदा नहीं जाता है, ये प्रयोग होगा। आपका क्या आएगा, भाववाच्य, एक वचन और अन्य पुरुष में आपके प्रयोग होगा। आपका इसमें कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन में, भाववाच्य का मैंने बताया आपको, इसमें आपके जो वाक्य होते हैं वो निषेधात्मक होते हैं, इसमें हमेशा किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। सामान्यता अच्छी तरीके से कर लीजिए, याद कर लीजिए कि इसमें हमेशा क्या होता है, अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, और क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग या एक अन्य पुरुष में ही होती है, ठीक है। इसमें जो है असमर्थता प्रकट होती है, यानी कि वह कार्य करने में समर्थ नहीं होते हैं, वह वाक्य हमारे भाववाच्य होते हैं। जैसे सुकन्या से नाचा नहीं जाता, वह नाचने में क्या है, असमर्थ है, हमारे नाचने में असमर्थ है। बालक से सोया नहीं जाता, बालक जो है सोने में समर्थ नहीं है, है ना। लड़कों द्वारा छत से कूदा नहीं जाता, लड़के जो है छत से कूदने में समर्थ नहीं है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, भाववाच्य होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अभ्यास कार्य के द्वारा बताइए कितने आपको समझ में आया। क्रिया का भाव प्रधान है, होता है किसमें? भाववाच्य की कर्मवाच्य में। जल्दी बताइए बच्चों, क्रिया का भाव प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है, वह किसमें होता है? भाववाच्य की हमारे कर्मवाच्य में। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चों, किसमें प्रधान होता है हमारा? क्रिया का भाव प्रधान होता है हमारा भाववाच्य में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता हमारी किसमें होती है? भाववाच्य की कर्मवाच्य में। जल्दी बताइए, कर्म की प्रधानता हमारी किसमें होती है? कर्म की प्रधानता हमारी किसमें होती है? भाववाच्य की कर्मवाच्य में। कर्म की प्रधानता हमारी किसमें होती है बच्चों? कर्मवाच्य में। किसमें? कर्मवाच्य में होती है। देखिए, कृतवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? मैंने आपको बताया, कृतवाच्य में कर्म की, कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? वेरी गुड हिना, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। बहुत अच्छे, तो अच्छे समझ में आ गया किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। आगे देखिए, मुझसे खेला नहीं जाता, यह कौन सा वाक्य हमारा नहीं का प्रयोग हुआ है? कृतवाच्य है कि हमारा भाववाच्य है? मुझसे खेला नहीं जाता, वह खेलने में समर्थ नहीं है। कृतवाच्य है कि भाववाच्य है? जल्दी बताइए। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है बच्चों? जल्दी बताइए, हम भी देखें कितने बच्चों को समझ में आया। मुझसे खेला नहीं जाता, कृतवाच्य की भाववाच्य, कौन सा इसमें? भाववाच्य। नहीं का प्रयोग हुआ है इसमें। क्या हुआ है हमारा? नहीं। मुझसे खेला नहीं जाता, वह खेलने में समर्थ नहीं है बेटा, इसलिए वह यहाँ पर क्या है? और नहीं का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर हमारा भाववाच्य है। अगर आपसे कोई भी वाक्य आए जो इसमें समर्थ नहीं है, तो वहां पर हमारे भाववाच्य होगा, और भाववाच्य में वाक्य जो है निषेधात्मक होते हैं, अर्थात हमारे नहीं का प्रयोग होता है। क्या है ना, अच्छे समझ में आया आपको? और कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। राधा कहानी सुनाती है, राधा कहानी सुनाती है, इसमें क्या है? कर्मवाच्य है कि कृतवाच्य है? राधा कहानी सुनाती है, तो इसमें बताइए कर्मवाच्य है हमारा कि कृतवाच्य है? जल्दी बताइए, राधा कहानी सुनाती है कर्मवाच्य है कि कृतवाच्य है? हमारा इसमें क्या है? कर्मवाच्य है। इसमें क्या है? कर्म की प्रधानता है ना? राधा कहानी सुनाती है क्या है हमारा? कर्मवाच्य है, ठीक है। वेरी गुड है ना, बहुत अच्छे, कर्मवाच्य है इसमें। आगे देखिए, छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं में कौन सी आपके वाच्य है? कृतवाच्य है कि कर्मवाच्य है? छात्र पढ़ते हैं, कृतवाच्य है कि कर्मवाच्य है? जल्दी बताइए बच्चों। छात्र पढ़ते हैं, कौन सा हमारा इसमें? कृतवाच्य है। कौन सा हमारा? कृतवाच्य है। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है, वह क्या होता है हमारा? कृतवाच्य होता है। आगे देखिए, कर्मवाच्य में क्रियाएं होती हैं, कर्मवाच्य में क्रियाएं होती हैं, कौन सी होती हैं? कर्म की कर्ता। कर्मवाच्य में क्रियाएं होती हैं बेटा, इसमें अकर्मक की सकर्मक होगा ऑप्शन में, अकर्मक की सकर्मक। कर्मवाच्य में हमारे क्रियाएं होती हैं, कृतवाच्य था, कर्मवाच्य था, भाववाच्य था। हमारे कर्मवाच्य में क्रियाएं हमारी होती हैं कौन सी? सकर्मक क्रियाएं होती है। मैंने आपको बताया उसमें किस क्रिया का प्रयोग करते हैं, हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। और कृतवाच्य में कौन सी क्रियाएं होती हैं हमारे? कृतवाच्य में सकर्मक या अकर्मक होती हैं। कृतवाच्य में क्रियाएं होती हैं हमारी बच्चों, कौन सी क्रियाएं होती है हमारी? जल्दी बताइए, कृतवाच्य में हमारी क्रियाएं होती है कृतवाच्य, भाववाच्य, सकर्मक, अकर्मक। हमारी कृतवाच्य में मैंने आपको बताया कि हमारी जो क्रियाएं होती हैं वह सकर्मक भी होती हैं और कौन सी होती हैं, अकर्मक भी होती हैं। कौन सी, सकर्मक अकर्मक दोनों होती हैं। अच्छे समझ में आए बच्चों? अब बताइए, मनुज शोर मचाता है, मनुज शोर मचाता है, बताइए जल्दी से। मनुज शोर मचाता है, इसमें कौन सा होगा, कर्मवाच्य की कृतवाच्य है। बहुत अच्छे, जल्दी बताइए। मनुज शोर मचाता है कर्मवाच्य है कि कर्म कृतवाच्य है, इसमें कौन सा है हमारा। मनुज शोर मचाता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपका कौन सा है हमारा, कृतवाच्य है बच्चों। इसमें कर्ता की प्रधानता है, मनुज में कर्ता की। हमारा मनुज क्या है, एक वचन है, पुल्लिंग है, और हमारी जो क्रिया है हमारी पुल्लिंग एक वचन में ही प्रयोग हुई है। वहां क्या है हमारा, कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अच्छे से ना समझ लीजिए। चाय बीना के द्वारा बनाई गई, अगर के द्वारा हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो वहां पर कर्मवाच्य होता है या भाववाच्य होता है। के द्वारा भक्ति का प्रयोग हम किसमें करते हैं, कर्मवाच्य की भाववाच्य में बच्चों प्रयोग करते हैं। इसमें प्रयोग करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं कर्मवाच्य में बच्चों प्रयोग करते हैं हम। अगर मैंने कहा था आपको के द्वारा, द्वारा से, आप किससे में प्रयोग करेंगे, आप कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे। अच्छे से समझ लीजिए। शिवा से पढ़ा नहीं जाता, नहीं विभक्ति का आप प्रयोग करेंगे किसमें, नहीं आपका प्रयोग हुआ है नहीं का। निषेधात्मक वाक्यों में निषेधात्मक वाक्यों का प्रयोग होता है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, या किसमें प्रयोग होता है, भाववाच्य की कर्मवाच्य, इसमें प्रयोग होता है बच्चों। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, अच्छे से बताइए। किसमें प्रयोग होता है हमारा, भाववाच्य में प्रयोग होता है। किसमें होता है, भाववाच्य में प्रयोग होता है। अच्छे से समझ में आया? अच्छे समझ में आया? अब आपको वाच्य में कोई कंफ्यूजन तो नहीं। वाच्य की परिभाषा आपको बताई, उसके बाद वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्ता की प्रधानता हो, कृतवाच्य, कर्म की प्रधानता हो, कर्मवाच्य, और भाववाच्य जहां कर्ता और कर्म दोनों की प्रधानता ना हो। निषेधात्मक वाक्यों का प्रयोग होता है, वहां पर क्या होता है हमारा, से विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए, शिवा से विभक्ति का प्रयोग हुआ, हमारा यहाँ पर क्या हो गया, भाववाच्य। अब इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू बच्चों। और मैं आपको बता दूं, दोपहर में मेरी क्लास 1 बजे से 2 बजे तक होती है, और शाम को मेरी क्लास 6 बजे से 7 बजे तक होती है। तो आप शाम को मेरी क्लास में जरूर आइएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप लिंक जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे शाम की क्लास में वो भी आ जाए। तो बच्चों मेरा लिंक शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए। स्पेशल क्लास का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक आ जाए। आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप वहां पर टॉप एजुकेटर से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। तैयारी आपके फाइनल एग्जाम की बहुत अच्छे से होगी। इससे आप उस पर अगर मेरा रेफरल कोड पूजा01 प्रयोग करते हैं तो उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। तो जल्दी से आप जो है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, थैंक यू।